थाना सूरजपुर क्षेत्र के जनपद गांव के पास हुई राहुल व कुलदीप नामक दो युवकों की हत्या में पुलिस ने मुठभेड़ में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। देखें इस मामले में एसएसपी वैभव किशन क्या कहते हैं। 3 सितंबर को दो डेड बॉडीज मिली थी, दो लड़कों की डेड बॉडीज मिली थी जिन्हें गोली लगी हुई थी और अनआइडेंटिफाइड थी। जब ये बॉडी मिली थी उसी दिन इनकी आइडेंटिफिकेशन इनका हो गया था और दादरी क्षेत्र के ये लोग रहने वाले थे। मुकदमे का अनावरण हुआ है, दो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं पुलिस मुठभेड़ में, दोनों इंजर हुए हैं, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें शेष है। जो इंटेंशन मर्डर के पीछे निकल के आया, इनमें से एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है वो पहले करीब 4 महीने पहले एक लूट के मुकदमे में थाना दादरी क्षेत्र से जेल गया था। 45,000 रुपये की एक शोरूम पर लूट हुई थी, तो उस अभियुक्त को लगता था कि ये जो मृत अभियुक्त है, जो मृत है डबल मर्डर में, इसने उसकी मुखबिरी की है, इसका इंटेंशन ये था मारने का। और इनमें से एक जो दूसरा अभियुक्त है उसके चचेरे भाई का मर्डर हुआ था, वो ये सस्पेक्ट करता था कि जो मृत है उसने उसकी हत्या की है। तो दोनों के अपने अपने इंटेंशन थे, दोनों ने फिर मिल के हत्या की। जो मृत था, मृत भी पहले लूट के मुकदमे में एक बार जेल जा चुका था। जो दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं इन पर करीब करीब 15 दोनों के मुकदमे हैं पूर्व के, जिसमें मर्डर और लूट डकैती आदि के मुकदमे हैं। दोनों की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ में हुई है, एक और अभियुक्त अभी वांटेड है। एक आरोपी राहुल है, क्या ये जो मृतक राहुल है, क्या इन आरोपियों से उसके रिलेशन थे, क्या उनके गैंग का था या कुछ और? आपस में इनकी जान पहचान थी, जो मृत है और जो अभियुक्त पक्ष है आपस में जान पहचान थी, इनकी बोलचाल होती थी, आपस में एक साथ उठना बैठना भी था, और लेकिन कुछ कुछ बात को लेकर डिफरेंसेस थे और उसी का बड़ा होते होते इन लोगों के आपस में एनमिटी इस कदर बढ़ गई कि वो डबल मर्डर की वारदात हुई। इनमें से योगेश उस बच्ची नाम का एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है, उसकी बहन की शादी थी, लेकिन वो लूट के मुकदमे में पूर्व में जेल चला गया था और उसे शक था कि जो मृत राहुल है उसने पुलिस की मुखबिरी करके उसे जेल भिजवाया है। ये भी एक उसमें इंटेंशन था कि अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं कर पाया था, तो हत्या का एक कारण ये भी था।